आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Which one of the following arises from endoderm? पूछा गया है इन चारों में से एंडोडर्म से कौन सा चीज है या फिर कौन सा ऑर्गन है जो कि बना हुआ है। तो पहले बात करते हैं जर्म लेयर्स का। तो जर्म लेयर तीन टाइप के होते हैं। एक है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या फॉर्म करता है? तो एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर जैसे कि एपिडर्मिस फॉर्म करता है और साथ ही में न्यूरल प्लेट्स फॉर्म करता है, यानी इसका काम होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट आता है मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या करता है? तो ये होता है मिडिल लेयर और प्रोड्यूस करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज को। कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि ब्लड प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड वाले ऑर्गन्स को भी ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म क्या करता है? तो एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर होता है और ये सॉफ्ट ऑर्गन्स को या फिर इंटरनल ऑर्गन्स भी कह सकते हैं उसको फॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो पहला है आई। आई क्या है? आई जो है ये बना हुआ रहता है न्यूरल प्लेट से, यानी ये जुड़ा हुआ है CNS से, इसलिए ये बनता है एक्टोडर्म से। यहाँ पे हम लोग एक्टोडर्म लिख लेंगे। नेक्स्ट है पिगमेंटेड सेल यानी कि स्किन। तो स्किन जो है ये क्या है? ये भी एपिडर्मिस से बनता है और एपिडर्मिस से बनने का मतलब ही ये भी हो गया हमारा एक्टोडर्म के अंदर। नेक्स्ट है हर्ट। तो हर्ट जो है ये ब्लड कैरी करता है, इसीलिए ये बन गया मेसोडर्म से, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। और लंग्स जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर ऑर्गन है, इसलिए लंग्स ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है इन तीनों में से या फिर इन चारों में से जो कि एंडोडर्म से ओरिजिनेट करता है, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन लंग्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।